माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसके जरिए कई मालूमात हुए। और अल्लाह के नबी कहते हैं जब कोई मरता है अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, कहता है कि इसके करीबी लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता बताओ, उसका बेटा क्या कर रहा, बाप क्या कर रहा, माँ क्या कर रही, बहन क्या कर रहा, भाई क्या कर रहा। फरिश्ते जाकर कहते हैं वावेला मचा रहे हैं, मातमी बातें कर रहे हैं, लानतान कर रहे हैं। अल्लाह कहता है क्या मैंने इसके मुकद्दर की कोई चीज कम की? कहते हैं नहीं। जब तक ये लोग रोते रहेंगे इस पर कोड़े बरसाते रहो, जब तक इसके करीबी लोग रोना धोना करेंगे इसकी नाश पर कोड़े बरसाओ, इसको अजाब देते रहो बोलेंगे। और फिर जो नेक बंदा है और उसके लोग नेक हैं, जब वो फरिश्ता कहता है अल्लाह बड़े सबर से काम ले रहे हैं, कोई गैर गलत बात नहीं करते, अल्लाह कहता है फरिश्तो गवाह हो जाओ मैंने इसके साथ साथ उनकी भी मगफरत कर दी। क्या करेंगे? रोएंगे? सबर करेंगे? इंशाल्लाह। तो आइए आज का अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा, मेरे सामने वाले माइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुर रहमान है, मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा सवाल इमरान भाई से ये है कि जब दूसरा सुर फूका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी, मलिकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, फिर तीसरा सुर कौन फूकेगा? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इंशाल्लाह जो हमको समझ में आता है उससे यह पता चलता है कि जब तीसरा सुर फूका जाएगा अल्लाह उसके पहले इसराफील अलैहिस्सलाम को अपने हुक्म से जिंदा कर देंगे और फिर वो सुर फूकेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में यह भी कहा कि इसराफील को मौत दी जाने से पहले अल्लाह अपने अर्श से कहेगा कि इसराफील के पास से सुर ले लो। ये भी हदीस के अल्फाज है। उम्मीद मेरे भाई का जवाब मुकम्मल हुआ। तो आइए आज का अगला सवाल बहनों की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मलकुल मौत, हाँ आई एम अंडर ग्रेजुएट, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला मलकुल मौत को मुखर्रर करे सबकी रूह खींचने के लिए, तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं एट ए टाइम कई लोगों का इंतकाल होता, तो मलकुल मौत किस तरीके से उन तमाम की रूह एक साथ कब्ज करते हैं? बहन ने पूछा है कि मलकुल मौत एक ही वक्त में इतने सारों की रूह कैसे कब्ज करते हैं? बहन आप अंडर ग्रेजुएट है तो माशाल्लाह मुझे यकीन है आप कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत जानती होंगी। जी कंप्यूटर में आप एक ही वक्त में कई पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन मारते? जी हाँ जी हारे। मैं आखिरी में एक दुआ से इस बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ जो मेरे भाइयों ने और बहनों ने जो मेरे हक़ में तारीफ़ बयान की। आप लोगों की ये जो मोहब्बत है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग हमेशा मेरे हक़ में दुआ करें और ये काम हम सब मिलकर खूब ज़्यादा करें माशाल्लाह। मैं एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की दुआ करना चाहता हूँ जो वो हमेशा उस वक्त पढ़ते जब कोई उनकी तारीफ़ करता। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़ना बिमा यक़ूलूना वग़फ़िरली मा ला यालमून वजअलनी मिम्मा यज़ुन्नून। अय अल्लाह सुबहाना तआला, ये लोग मेरी तारीफ़ में जो भी बातें कह रहे हैं इनकी इस तारीफ़ के अल्फाज पर मुझसे कोई हिसाब किताब क़यामत में मत ले। और अय अल्लाह अगर मैं इनके तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ तो मुझे इनके तारीफ़ के काबिल बना दे, अगर मैं इनके तारीफ़ के काबिल हूँ मुझे और आगे ले जा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौत आहिस्ता करिए बोली, अब चलो साथ मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई, अब चलो साथ है मेरे भाई। जिंदगी खत्म हो गई तुम्हारी, अब चलो साथ है मेरे भाई, अब चलो साथ है।